हेलो गाइड्स, वेलकम टू वॉचिंग माय वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे तुम मेरे लिए बने हो, तुम नाचने के लिए बनी हो, हम सब एक दूसरे का मदद करने के लिए बने हैं। तो यदि ऐसा वाक हम लोग को हिंदी में मिल जाए तो किस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो आज हम लोग इस वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। यहाँ है स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेंट, और फिर यहाँ फार और टू लगा सकते हैं। जब फार लगाएंगे तो वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, जब टू लगाएंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट होगा। सो गाइड्स, देखते हैं पहला वाक्य है, मंदिर भक्तों के लिए बना है। मंदिर भक्तों के लिए बना है, तो ऐसे वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, द टेम्पल्स आर मेंट फॉर ड्यूटीज, और टू लगाएंगे तो टू ड्यूटीज। अगला वाक्य है, तुम मेरे लिए बने हो, तुम मेरे लिए बने हो, यू आर मेंट टू मी या फॉर मी, हम टू और फॉर का दोनों का प्रयोग करके ट्रांसलेट कर सकते हैं। तुम नाचने के लिए बनी हो, ऐसे वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, यू आर मेंट फॉर डांसिंग। देखो यहाँ फार लगाए तो आई एन जी लगाए, और अगले में देखो टू लगाए है तो केवल डांस लगाए, आई एन जी नहीं लगाए हैं। हम एक दूसरे का मदद करने के लिए बने हैं, तो ऐसे वाक्य को इंग्लिश में हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, वी आर मेंट टू हेल्प ईच अदर, वी आर मेंट टू हेल्प ईच अदर। अगला वाक्य है, तुम रोने के लिए नहीं बने हो, तुम रोने के लिए नहीं बने हो, यू आर नॉट मेंट टू क्राई या वीप, हम क्राई या वीप दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। हम भीख मांगने के लिए नहीं बने हैं, हम भीख मांगने के लिए नहीं बने हैं, वी आर नॉट मेंट टू बेग, यदि अगर यहाँ हम फार लगाते तो क्या हो जाता, बेग में आई एन जी होता, फार बेगिंग्स। अगला वाक्य है, हम कुछ करने के लिए बने हैं, हम कुछ करने के लिए बने हैं, वी आर मेंट फॉर डूइंग सम थिंग्स। ऐसे वाक्य को पैसिव वॉइस के तरह भी हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसे वी आर मेड, यानी हम बनाए जाते हैं, टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए बनाए जाते हैं। सो गाइड्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, कुछ समझ में आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग इसी तरह से एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ते लिखते सीखते हुए चलेंगे। सो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।